हेलो भाई, आज बात करते हैं यार आयुष सर की। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं। आखिरकार आयुष सर वाले बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज्यादा केयरिंग है। अब लोट ऑफ हमारे पास जो कॉल आते हैं वो पेरेंट्स कहते हैं, भैया हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, हमारे बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं। और वही अगर इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, अब वो बेचारे खुद ही ढूंढते हैं, ये लल्लू लाल कॉलेज इस स्टेट में, ये कॉलेज उस स्टेट में। खैर, हम आज बात करते हैं आयुष सर की। आखिरकार आयुष सर के कितने राउंड होने वाले हैं, ये टॉप कितना जाएगा वैसे। हाँ जी, जनरल कैटेगरी के लिए तो पहले हमने आपको बताया ऑलमोस्ट 3500 से लेके 3600 तक अगर आपकी रैंक आ रही है, देन आपके एडमिशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। हाँ जी, अब ओबीसी वालों के लिए कितना रैंक है। हाँ जी, अब ये 1300 रैंक, 1200 रैंक ओबीसी वालों को कितना जाएगा, एससी एसटी के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हम लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वैसे आपको आयुषर की वेबसाइट पे 4 राउंड दिखाई दे रहे होंगे भैया। जी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। हाँ, जनरली जो सारा का सारा प्रोसेस रहता है उस राउंड में कंडक्ट नहीं हो पाता है। जैसे ही आपका तीसरा राउंड, चौथा राउंड होगा, फिर से शेड्यूल को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, आपके राउंड बढ़ा दिए जाएंगे भैया। पांचवा राउंड भी होगा, छठवा राउंड भी होगा, सातवा राउंड भी होगा, ऐसे टोटली राउंड आपके बढ़ा के 12 से 13 राउंड कर दिए जाते हैं। हाँ जी, 12 से 13 राउंड आयुषर के हो जाएंगे भैया। हाँ, लेकिन आपकी रैंक में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, आपको जितनी रैंक बताई गई है उतनी रैंक पर ही एडमिशन होगा। हाँ जी, अगर आपकी जनरल के अंदर 3500 से लेके 3600 तक रैंक आ रही है, देन आपके एडमिशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब काफी सारे पेरेंट्स के ये भी सवाल आते हैं, भैया आप ये पुणे, कोलकाता, मोहाली, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, बेरमपुर कहाँ पर जाना चाहिए हमें। तो आपको बेसिकली इंडस्ट्री के हिसाब से जाना चाहिए भैया। आपका ब्रांच कौन सा, आपकी लोकेशन कौन सी है, आप इंडस्ट्री अगर बात करें, इनोवेशन, इंफ्रा, टेक्नोलॉजी, फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, इंक्यूबेशन, सारे के सारे वैसे पुणे के अंदर भी है, कोलकाता में भी है, एंड कुछ कुछ आपको मोहाली में भी मिल जाता है, तो ये लोकेशन अच्छी है। लेकिन अगर लल्लू लाल जगह की बात करूं, जैसे कि बेरमपुर हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, ये जो लोकेशंस है, भोपाल हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे इंक्यूबेशन, इनोवेशन, इंफ्रा, टेक्नोलॉजी, फंडिंग मिलने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है भैया। जी, यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, तो आपको इन सबको छोड़ना चाहिए, टॉप लोकेशन को चूज करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो है कंपटीशन काफी ज्यादा है। आपके और भी काफी सारे सवाल रहते हैं, भैया हमारे बच्चे को तो रिसर्च ही करना है, उसको तो साइंटिस्ट ही बनना है, आई सर में बहुत प्रिपेयर कर रहा है, फिर से वो प्रिपेयर नहीं कर सकता। प्राइवेट कॉलेज भी है ऐसे क्या, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है ऐसे क्या, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज भी है, तो BSMS प्रोवाइड कर रहा हूँ भैया। जी, रिसर्च प्रोवाइड कर रहा हूँ, R&D प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे साइंटिस्ट बन सके, फिर आई सर जैसा ही कोर्स हो कोई। तो यार ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जो कि ऐसे अच्छे अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों को शायद नॉलेज नहीं होगा, इसके लिए हमारा हॉटलाइन नंबर दिया है, आप लोग इस पे कॉल कर सकते हो। अगर आपके यार लो रैंक आ रही है, आपको अगर समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे लिए बेस्ट साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड कोर्सेज कौन से हो सकते हैं, जी रिसर्च करूं, साइंटिस्ट बनूं, इनोवेशन करूं, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इंक्यूबेशन, फंडिंग, सारे के सारे ट्रेंडिंग, अगर आप भी कोर्स करना चाहते हो भैया, अच्छा कॉलेज हो, अच्छा यूनिवर्सिटी हो, अच्छी जिंदगी भी चाहिए, अच्छा प्लेसमेंट हो, कम फीस हो, इसके लिए हमारा हॉटलाइन नंबर दिया है, इसके ऊपर आप लोग कॉल कर सकते हो।